जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 29/5/2024, दिन है आज बुधवार, सुबह के बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं। रेडी, चलते हैं नीचे करते हैं पूजा पाठ। या पूजा पाठ हो चुका है और अपना आ चुका है डाइट। डाइट में दिखाते हैं, आज हमारा है केला और गुल्लू हमारे पास आ चुकी है। दोनों हम एक एक केले खाएंगे, तो खाते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, गुल्लू ले रखा है, मैंने ले रखा केला और खाते हैं इसको। और नाश्ता वगैरह भी अपना कर लेते हैं और निकलते हैं काम पे। नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं काम पे। पार्किंग में आ चुके हैं और पार्किंग देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा है पार्किंग हमारी, काफ़ी धूप है। निकलते हैं पिकअप पे, गाड़ी अपनी निकालते हैं। पिकअप पे आ चुके हैं, गाड़ी हो रही हमारी लोड, करवाते हैं लोड और निकलते हैं पहाड़गंज के लिए। तो गाड़ी करवा रहे हैं लोड और निकलते हैं पहाड़गंज के लिए। निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं अपना ईदगाह वाले रोड पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये ईदगाह वाला रोड है और अपने को जाना है पहाड़गंज। तो देख सकते हैं, बहुत आगे थोड़ा सा चलेंगे तो अपना पहाड़गंज वाला रोड आ जाएगा। तो पहुंचते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये आ चुके हैं पहाड़गंज वाले रोड पे और थोड़ी सी और आगे चलेंगे, अपना आ जाएगा जहाँ भी उतारना है माल। तो माल करवाते हैं अपना और फिर निकलते हैं। तो देख सकते हैं, माल उतरवाने के लिए हम आगे चल रहे हैं। गुलमर्ग का रोड आ चुका है, पहुँच गए थे, माल उतार दिया था। दूसरा पिकअप भी आ चुका है अपना, तो आ गए थे दूसरे पिकअप पे हम लोग को लोड करने के लिए। दूसरा पिकअप अपना आएगा मोतिया खान से साहिबाबाद। साहिबाबाद जाना है अपने को। गाड़ी हो रही है हमारी लोड, गाड़ी लोड करा ली, गाड़ी लोड किया है। और ये अपना है मोतिया खान वाला रोड पूरा, तो यहाँ से निकल लें सीधा। अपने को जाना है साहिबाबाद, पकड़ते हैं रिंग रोड। रिंग रोड पकड़ लिया है, फिल्मिस्तान वाला फ्लाईओवर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना निकलेंगे पहाड़ी वाले रास्ते होते हुए। और पार्टी ने आज काफ़ी गाड़ी लोड ज़्यादा करा दी है, लगभग इसमें 1500 kg वजन डाल दिया है, मतलब 15 क्विंटल। हम थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो हमारी गाड़ी में इनने डाल दिया है। अब निकल चुके हैं, बेशक पैसा ऐसे देगा पर उसमें क्या करें, पर दिक्कत तो हो ही जाती है। और ये अपना बस अड्डा पार कर रहे हैं, देख सकते हैं बस अड्डा रोड है अपना ही पूरा। और आगे चलते हैं अपना, ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी। ये आ चुके हैं हम सीमापुरी, साहिबाबाद के अंदर एंट्री कर ली हमने। और अब आगे थोड़ा सा चल के अपना माल तोड़वाएँगे। पहुँच चुके हैं, माल तोड़ना स्टार्ट हो चुका है अपना। तो देख सकते हैं ये बंदे उतार रहे हैं माल, उतरवाते हैं माल। और अपनी तीसरी बुकिंग भी आ चुकी है, तो अपना तीसरी बुकिंग के लिए फिर फटाफट चलते हैं, फिर खाली करवाते हैं और निकलते हैं तीसरी बुकिंग के लिए। तो तीसरी बुकिंग जो अपनी आई हुई है वो अपना साहिबाबाद से, और हमें सादरा जाना है। तो घर की तरफ की मिल गई हमें और निकल चुके हैं तीसरी बुकिंग के लिए हम। और पहुंचते हैं अपनी, करवाते हैं गाड़ी लोड। तो देखते हैं क्या मटेरियल लोड होगा हमारी गाड़ी में। तो पहुंचते हैं, करवाते हैं अपनी गाड़ी लोड। और ये काफ़ी दूर से आई, मतलब 5 किलोमीटर हमें खाली जाना पड़ रहा है गाड़ी लोड करने के लिए। तो घर की तरफ गए थे तो फिर उठा ली थी मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमारी हो रही है लोड, देख सकते हैं गाड़ी में ये जो मटेरियल पीछे पड़ा हुआ है यही जाएगा हमारी गाड़ी के अंदर। और एक आपको मशीन हम दिखाते हैं अपनी, इनकी जो लोहे पे डिजाइन बनाने वाली मशीन है, देख सकते हैं। ये देखिए मशीन, थोड़ा झूम करके दिखा रहा हूँ, ये एंगल है और इस पर ये डिजाइन बना रहे हैं। और वो डिज़ाइन भी आपको मैं अभी दिखाऊँगा, तब तक आप ये मशीन देखिए। इसमें कोई मतलब आदमी काम नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है ये। और एक बार सेट कर दो और ये देखो घर 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 करके काम कर रही है। और जो ये काम कर रही है उसका मटेरियल आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये है वो मटेरियल, ये मशीन वही काम करती है जो इसमें देखिए डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, इसी का है। तो गाड़ी करवाते हैं अपनी लोड और निकलते हैं गाड़ी लोड करा के। गाड़ी लोड करा ली है और हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं साहिबाबाद से निकल रहे हैं सीधा। और अपने को जाना है सादरा रामनगर, तो पहुँचते हैं अपना। आगे का सफ़र भी आप कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा यूपी का एरिया है, उत्तर प्रदेश। तो अपने को दिल्ली जाना है, तो ये देख सकते हैं हम दिल्ली भी आ चुके हैं। और ये अपना सादरा वाला फ्लाईओवर है, सादरा वाला फ्लाईओवर, इसी के नीचे अपने को जाना है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है जहाँ हमारा ये ड्रॉप किसन है, जहाँ हमारा माल उतरेगा। और बगल में हमारे मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन है, देख सकते हैं। तो अपना उतरते हैं नीचे और चलते हैं आगे का भी आपको नीचे का थोड़ा माहौल दिखाते हैं कि जो फ्लाईओवर के नीचे का है रास्ता, ये देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे आ चुके हैं। और आगे से हमें आना है यू टर्न, ये देखिए यू टर्न मारेंगे। और यू टर्न मारते ही लेफ्ट में अपना गली है, उसी गली के अंदर अपने को जाना है, देख सकते हो लेफ्ट हमारा। और यहाँ से सीधा अपने पहुँचते हैं, उतरवाते हैं माल। माल उतरवा रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ी लगा दिया, यहीं पे उतरेगा माल अपना। तो माल उतरवाते हैं और अपना निकलते हैं जिम।
तो पेमेंट वगैरह भी ले लेंगे इनसे। और गाड़ी हमने लगा दी है तो पहुँचते जिम, जिम में आ चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं, हमारे जिम का गेट है तो अपना जिम पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे और पहुँचते हैं जिम में और अपना मारते वर्कआउट। जिम में एंट्री कर ली है और वर्कआउट आज हमारी बाइसेप्स की एक्सरसाइज थी तो बाइसेप्स सेट मार रहे हैं, बेंच प्रेस देख सकते हैं 10 kg इधर है और 10 kg उधर है तो अपना एक्यूरेट सेट पूरा लग रहा है देख सकते हैं, परफेक्ट। पंप भी बहुत अच्छा आ रहा है, मेहनत काफ़ी लग रही है तो कोई बात नहीं, पर पंप बहुत अच्छा आ रहा है। लगभग हमारा साइज जो है 17 के लगभग हमारा पहुँच चुका है और इसे हमें 21 तक पहुँचाना है।